हिस्ट्री का चैप्टर है, हमने आज यहाँ से पढ़ना है हाउ पार्टिसिपेंट सा द मूवमेंट, मतलब जो पार्टिसिपेंट थे उसमें मूवमेंट में, ये जो दो मूवमेंट्स थी सहयोग आंदोलन की स्वराज की, तो उस पर उसमें वो लोग जब हिस्सा लेते थे तो उनको क्या महसूस होता था। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो आम जनता का जो अवज्ञा आंदोलन था, तो हमने ये देखना है कि जो अलग अलग सामाजिक जो वर्ग थे वो इसमें जो हिस्सा ले रहे थे वो इसके बारे में कैसे सोचते थे। वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने इस लहर में क्यों हिस्सा लिया, वो इसमें क्यों शामिल हुए। वट वर देयर आइडियल्स, उनके आदर्श क्या थे। वट डिड स्वराज मीन्स टू दैम, उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था। इन द कंट्री साइड रिच पेजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पोदार पाटीदार ऑफ द गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट, तो देहात में जो अमीर किसान थे और उत्तर प्रदेश के जाट थे, वो भी इस मूवमेंट में क्रियाशील थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स, वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, यानी कि जो खरीद के मतलब पैदा करके ज़्यादा बेचने वाली क्रॉप्स फसलें उगाते थे। दे वर वेरी हार्ड हिट बाई द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, तो जब कीमतें गिरीं पहले विश्व युद्ध के बाद में जब मंदी आई तो दबाव हुआ, मार्केट बहुत डाउन हो गई, प्राइसेस बहुत डाउन हो गई, उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, उनकी जो नकद राशि उनको मिलती थी वो ख़त्म हो गई। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो सरकार उनसे जो लगान मांगती थी वो उसको देने में असमर्थ हो गए। एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू द वाइडस्प्रेड रिसेंटमेंट, तो जब सरकार ने उनका मामला माफ़ करने से मना कर दिया तो उनमें बहुत असंतोष फैल गया। दीज रिच पेजेंट्स बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब ये असहयोग आंदोलन के खुले सपोर्टर जोश से बन गए। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फेसिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम, वो किसी भी तरह से अपने साथियों को साथ लेकर इसमें शामिल हो गए। तो वो जो रिलक्टेंट मेंबर्स थे, जो ऐसे मेंबर्स थे जो उसमें आना नहीं चाहते थे, उनको भी वो फोर्स करके दबाव के साथ उनको भी ले आए ताकि वो प्रोग्राम का इसका बाइकॉट कर सकें। फॉर देम द फाइट फॉर जो स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, तो उनके लिए ये स्वराज की जो लहर थी वो थी कि जो ज़्यादा उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता था उसके खिलाफ थी। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड वैन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बींग रिवाइज, परंतु उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात से दुख हुआ जब ये लहर जो थी, आंदोलन जो था, ये बिना रेवेन्यू को कट किए 1931 में ये आंदोलन वापस ले लिया गया। सो वैन द मूवमेंट वॉज रिस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ दैम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तब जब ये आंदोलन दोबारा 1932 में शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। द पुअरर पेजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, तो जो गरीब किसान थे वो सिर्फ मामला जो टैक्स जो सरकार लेती थी उसे ही कम करने पर उतना वो उनका नहीं दिखता था हित। मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो जमींदार से ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे, मतलब किराए पर लेकर खेती करते थे, वो मुजाहरे थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड द कैश इनकम डिमिंडल्ड, जब मंदी बहुत ज़्यादा हो गई और कैश इनकम कम हो गई, द स्मॉल रेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट, उन्होंने भी यही महसूस किया कि उनको रेंट देना मुश्किल है। दे वांटेड टू रिपन अनपेड रेंट और टू द लैंडलॉर्ड बी रिमिटेड,
उनका ये मानना था कि उनके द्वारा जो किराया उनके ऊपर बनता था वो उसको उनको जो लैंडलॉर्ड है वो उनको माफ़ कर दे। दे ज्वाइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत सारी रेडिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, ऑफन लेड बाई सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, यानी कि जो सोशलिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे उनके द्वारा आयोजित किए हुए मतलब तगड़े जो आंदोलन थे उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। अपरहेंसिव ऑफ रेजिंग इशूज दैट माइट अपसेट एंड द कम्युनिस्ट, वो ऐसे इशू उठाते थे जो कम्युनिस्ट को नाराज कर सकते थे एंड लैंडलॉर्ड्स को नहीं। अपरहेंसिव ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, अच्छा अपरहेंसिव ऑफ रेजिंग इशूज दैट माइट अपसेट द रिच पेजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, वो ऐसे इशू उठाते थे, ऐसे मुद्दे उठाते थे जिससे जमींदारों और अमीर जो किसान थे उनको निराश होना पड़ता। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इज इन मोस्ट प्लेसेस, तो कांग्रेस जो थी वो मामला माफ़ किए जाने पर सहमत नहीं थी कई जगह पर। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पेजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन, इसलिए जो गरीब किसान थे उनके साथ कांग्रेस का जो भाईचारा था वो पक्का नहीं था। वट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, जो व्यापारी वर्ग था उनका क्या, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो इस सहयोग आंदोलन से साथ कैसे जुड़े। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड लार्ज ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकेम पावरफुल, तो चैप्टर 5 में हम देखेंगे तो वो जो कारखानेदार थे और व्यापारी थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ कमाया था इसलिए वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, तो वो जब वो अपना बिजनेस बढ़ाने की बात सोच रहे थे तो उन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ प्रतिक्रिया दी कि वो लोग हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, तो वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स मंगाने में उनकी रक्षा की जाए। एंड ए रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स, तो ये भी उनको रुपी और स्टर्लिंग की जो डॉलर की रेशो थी उसको भी वो रखना नहीं चाहते, उसको रखना चाहते थे ताकि वो इम्पोर्ट ना कर सकें। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस 1920 का उन्होंने उनको रखा, मतलब उसका उसकी स्थापना की। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की, एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927, इस संस्था की स्थापना की लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला। इन लोगों के जो अमीर लोग थे, कारखाने वाले थे, बड़े बड़े इनके कारखाने थे, बड़ा बड़ा इनका बिजनेस था, वो लोग इस FICCI का अध्यक्ष बने। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ट कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड, जब ये मूवमेंट जो था नाफरमानी का, डिसोबीडिएंट का, तो असहयोग आंदोलन था, तो उस आंदोलन में जब पहले पहले वो शुरू हुआ तो जो कॉलोनियल रूल वाले थे जो इंडियन इकोनॉमी को तबाह करना चाहते थे इसलिए वो इस मूवमेंट में शामिल हुए। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, तो उन्होंने इसमें पैसा लगाया और उन्होंने बाहर के कपड़े जो चीज़ें थी उनको खरीदने से मना किया। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स, उनका मानना था कि स्वराज ऐसी सिचुएशन होगी जब कॉलोनियल रूल के द्वारा जो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि वो लोग नहीं होंगी, वो नहीं होंगी और कारखाने और इंडस्ट्रीज़ जो बिजनेस होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। तो बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक,
पर जब परंतु जब ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई, तब ये वाले जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो इस इतनी जोश से उनके साथ नहीं रहे। देवर अप्रहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, उन्हें लगता था कि इससे उग्रवादी जो गतिविधियाँ होंगी वो फैल जाएंगी, एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शंस ऑफ बिजनेस, तब उन्हें लगेगा कि इससे उनका जो व्यवसाय होगा बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म अगेन अमंगस्ट द यंगर मेम्बर्स ऑफ द कांग्रेस, तो कांग्रेस के जो नौजवान मेंबर होंगे वो सोशलिस्ट होंगे, समाजवादी होंगे, तो वो उसके उनके बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, तो जो कारखानों में काम करने वाले वर्कर थे वो भी इस डिसोबीडियंट मूवमेंट में यानी असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुए, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, सिर्फ नागपुर रीजन में शामिल हुए। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टार्टेड अलू, जैसे ही जो बड़े कारखानेदार कांग्रेस के साथ आ गए तो जो छोटे वर्कर थे वो उनसे दूर हो गए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम लाइक बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, तो वो लोग जो कामगार थे वो गांधी जी के इस फैसले में उनके साथ रहे कि एक तो वेजेस को बढ़ाया जाए और पुअर वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जाए कारखानों में जो उनके काम हैं, तो गांधी जी का उनके उन्होंने साथ दिया। देयर वर स्ट्राइक्स बाई रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, रेलवे के जो कामगार थे उन्होंने 1930 में हड़ताल की, और जो जहां पर जहाज आते हैं तो डॉक जो होता है वहाँ के कामगारों ने 1932 में हड़ताल की। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वर वोर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैलीज ऑफ बाइकॉट कैंपेन, तो तभी 1930 में हज़ारों जो छोटा नागपुर जो एक कली एक मेटल होती है वहाँ से ज़मीन से निकलती है, तो टिन माइंस थी वहाँ पर छोटा नागपुर में, वहाँ के हज़ारों जो वर्कर्स थे उन्होंने गांधी टोपी पहनी और इस जो प्रोटेस्ट रैली थी बाइकॉट कैंपेन की उसमें वो शामिल हुए। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स, परंतु जो कांग्रेस थी इन वर्कर्स को शामिल करने में उतना उत्साहित नहीं थी। डिमांड्स एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रगल इट फेल्ट दैट दिस वुड अल्टरनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेज, उनको लगता था इससे जो बिजनेस क्लास उनसे अलग हो जाएगी और जो शाही खानदान वाले ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ जो उनका आंदोलन है वो बंट जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, तो इसमें बहुत सारी जो सबसे ज़्यादा अलग जो इसका काम था कि जो ये असहयोग आंदोलन था या नाफरमानी वाला मूवमेंट था इसमें औरतों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम, बहुत सारी औरतें जो थी घरों से उसको सुनने के लिए बाहर निकल आईं। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने प्रदर्शन जो मार्च थे वहाँ उनमें भी हिस्सा लिया। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट वहाँ पर नमक बनाया, पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्वर शॉप्स, जो वहाँ के इंग्लैंड का जो कपड़ा आता था उसको मना करने के लिए, और शराब के ठेकों पर आगे उन्होंने लोगों को वहाँ से सामान खरीदने के लिए भी रोका। मैनी वेंट टू जेल, उसमें से बहुत सारी जेल में गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, तो शहरों में ये जो औरतें होती थी वो अमीर खानदानों से होती थी। इन रूरल एरिया दे केम फ्रॉम रिच पेजेंट्स हाउस होल्ड, तो गांव में वो लोग जो अमीर किसानों की स्त्रियां आती थी। मूव्ड बाय गांधी जीज काल दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ द वुमेन, गांधी जी के साथ आते समय उन्होंने देखा कि गांधी जी के साथ मिलकर जो सेवा होगी वो देश की सेवा होगी। येट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट necessarily mean
एनी रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ पोजिशन ऑफ वुमेन, परंतु इससे औरतों की स्थिति में कोई उत्साहजनक सुधार नहीं हुआ। तो वाज विजुलाइज्ड, गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर द होम एंड हेल्थ हार्थ। तो गांधी जी का विचार था कि वो घर में चूल्हे चौके का ख्याल रखें, बी गुड मदर्स अच्छी माताएं बने एंड गुड वाइफ्स अच्छी पत्नियां बने। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस इस बात से भी नाखुश थी कि वो लोग औरतों को कोई अच्छी पोजीशन और फ्यूचर में कोई ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऐसी अथॉरिटी देने में अच्छा नहीं समझते थे। इट वॉज़ कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, तो वो उनकी सिर्फ एक शमूलियत ही यानी उनकी हाजिरी को ही अच्छा समझते थे कि औरतें उसमें शामिल हों। ओके okay.